फोकस का नशा वो नशा है जो किसी को हो जाता है इस लड़के की तरह, तो आप उस लड़के की फोकस सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप भी इस लड़के की तरह फोकस करना सीख जाएंगे। नशा ऐसा करे कि आपको लोग देखकर तो लोगों के रोंगटे खड़ा हो जाए। तो शुरू करते हैं। उस लड़के की जिंदगी ऐसा था कि रोज दो टाइम का खाना भी ठीक से नहीं मिल पा रहा था। वो दिन भर मजदूरी भी करता था और उसे कुछ भी नहीं मालूम कि अपने सपनों को पूरा कैसे करे। इसका सपना बहुत बड़ा था। बहुत सारे लोग वहां तक जाने के लिए सोचते भी नहीं हैं। जैसे कि 100 लोगों में से 10 लोग ही सोच पाते हैं, उसमें से भी सिर्फ 1 लोग ही जा पाते हैं। तो आज आप जान पाएंगे कि इसने कैसे पूरा किया, इतना कठिन सफर को, नामुमकिन सा सफर को पूरा किया। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। आप जो सोच सकते हैं उसे पूरा भी कर सकते हैं। ये संभव है क्योंकि जो सोच सकता है वो उसे हासिल भी कर सकता है, क्योंकि उसके साथ पूरा यूनिवर्स वो जो चीज चाह रहा है वो उसे दिलाने में लग जाता है। वो अपने सपने के बारे में ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जो सोचता नहीं होगा। लोगों को ये लगता नहीं था कि वो कर पाएगा और उसके सिवा किसी को यकीन नहीं कि कर लेगा वो अपने सपने को पूरा। वो दिन में दिन भर काम करता था और रात में पढ़ाई करता था। इतना पैसा भी मजदूरी से नहीं कमा पा रहा था कि वो ठीक से पढ़ाई कर पाए। उसको किताबों के लिए भी पैसा इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, पर वो जैसे तैसे करके पढ़ाई कर रहा था। और पढ़ाई के वजह से खाना भी वो एक टाइम ही खा रहा था और खाना भी एक टाइम खाने के वजह से बीमार भी पड़ गया था। ये अपना इलाज में भी पैसा खर्च करना नहीं चाह रहा था। वो ये किताबें कहाँ से खरीद पाएगा, क्योंकि इसने एक टाइम का खाना बचा कर ही उसने कुछ रुपए जमा किया था। फिर वो अपने बीमारी को इग्नोर करते हुए पढ़ाई कर रहा था। अब वो एग्जाम के बहुत करीब आ चुका था। अब वो पहला एग्जाम देने जा रहा था और उसे बहुत ही डर लग रहा था। पर वो जब एग्जाम में बैठा तो उसे जब पेपर मिला तो वो देख कर दंग रह गया था, क्योंकि उसके लिए वो पेपर बहुत ही इजी था और उसे लगा कि मेरे सारे एग्जाम बस ऐसे ही जाए। जब उसका लास्ट एग्जाम आया तो उसे लगने लगा कि इसमें हम शायद पीछे रह जाएं, क्योंकि उसका एग्जाम बहुत ही कठिन गया। और एग्जाम के बाद उसका जब रिजल्ट आया तो वो अपना रिजल्ट भी नहीं देखने जा रहा था और वो सोच रहा था कि मेरा इस बार शायद रिजल्ट नहीं होगा। और उसका फ्रेंड आकर बोला, मेरा इस बार भी रिजल्ट हो गया। उसका ये दोस्त भी बोला तो उसे यकीन नहीं हो पा रहा था। और फिर उसका दोस्त ने बोला, तेरा रिजल्ट हो गया और तुम जो चाह रहे थे वो तुम्हें मिल गया। वो दोस्त की बात सुनकर वो रोने लगा, क्योंकि ये आंसू खुशी के थे। वो अपने गांव और जिला का नाम ऊंचा किया और वो जो बना वो बना जाकर DM, जो कि जिला के मालिक होता है। वहां तक जाना सबके लिए संभव नहीं होता है, पर वो मजदूरी करके वो अपने सपने को पूरा किया। ये कहानी से ये सीख मिलती है, आप जो चाहे उसे पाने के लिए वक्त देते हैं और अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे वो जरूर एक दिन मिल ही जाता है। तो आप भी अपने सपने के लिए मेहनत करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें। धन्यवाद।